हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज के जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उनका क्या रिस्पांस रहा है। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड बन रहा है और अप ट्रेंड को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हमें डाउन साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टारगेट हमारा 105.260, 105.211, 105.139 और 105.064 आया था। तो ये लेवल्स हमारे डाउन साइड के रहे थे और यही एक्टिवेट भी हुए हैं और यही मार्केट ने अचीव भी किए हैं। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो हमारे जो डाउन साइड के टारगेट्स थे वो यहाँ पर एक्टिवेट हुए और वही मार्केट ने हिट भी करके दिए हैं। अब हम बात करें, देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट आई थी लेकिन नेक्स्ट कैंडल में डोजी मिल गई थी, तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल गई थी कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से मार्केट नीचे गिरी। एक कैंडल ऊपर गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से मार्केट नीचे गिरी, यानी कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ी है लेकिन सस्टेन नहीं करने के बाद ये स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर गई है। तो यहाँ से हमें पहले इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रही है और बार बार नीचे की तरफ गिर रही है। तो इसीलिए यहाँ से हमें अप डाउन साइड का देखने को एक मोमेंटम मिला है। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला है। आज दो इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे हमने। हमने मार्क किया था कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट इसी अप ट्रेंड में सपोर्ट लेती रही तो हमें अपसाइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और मार्केट अगर 1925 ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1926, 28 और 30 रह सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही रिस्पॉन्स किया। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपने दोनों ही तीनों टारगेट्स अपसाइड के अचीव किए हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस वाली ट्रेंड को ब्रेक करेगी तो नीचे की तरफ गिरेगी, तो यहाँ पे हमें ब्रेक देखने को मिला, उसमें मार्केट नीचे की तरफ गिरी। लेकिन 1922 जहाँ से हमारा जो सेलिंग का टारगेट एक्टिवेट होना था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, यानी कि हमने डिस्कस किया था अगर ये लेवल ब्रेक होगा तभी हम सेल साइड जाएंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई तो हम सेल साइड नहीं गए। और यहाँ से देखिए मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम लिया है। तो हमारे जो टारगेट अपसाइड के थे वो एक्टिवेट हुए और वही मार्केट ने हिट भी करके दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो डॉलर से स्टार्ट करते हैं, DXY से स्टार्ट करते हैं। DXY में देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक लेवल बना हुआ था, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लेवल बना हुआ था और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ रही थी। यहाँ से मार्केट जो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी, इसके नीचे क्लोजिंग आई कहाँ पर, इस कैंडल पे आई है। और इस कैंडल ने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है, ये लेवल जो डिस्टेंस है ये सेम डिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने कवर कर लिया है, यानी कि इस ये जो जो भी पैटर्न बना है ये उसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और डाउन साइड का टारगेट अचीव कर लिया है। अब हमारे पास ये जो टारगेट है इसका हम डाउन साइड के टारगेट को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि ये लेवल टूट गया है तो और नीचे की तरफ गिरेगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना होगा, उसके लिए हमें हमारे इंपॉर्टेंट और डिसिसिव लेवल्स मार्क करने होंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला जो लेवल है 105.055 ही रहेगा, इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं। और देखिए इस टाइम पे नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये कैंडल शुरू हुए अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए ये एक बेस बना हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी अगर तो हम सेल साइड जा सकते हैं। ठीक है, तो सेल साइड जाएंगे अगर यहाँ से नीचे की तरफ क्लोजिंग आई तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड, एक यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है, तो ये हमें फिर से सपोर्ट दे सकता है। तो सबसे पहले जो टारगेट रहेगा 105.006 रहेगा, उसके बाद हमारा 105.953 रह सकता है। इससे भी नीचे अगर मार्केट गिरती है, इस लेवल से नीचे और क्लोजिंग देती है तो 104.889 का लेवल हमारा रह सकता है। और अगर इसके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, हमें अच्छी कैंडल के साथ देती है, ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ऐसी कैंडल हमें एक वीक कैंडल दर्शाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ गई थी लेकिन उसके बाद सेलिंग बनी और काफी ज्यादा नीचे की तरफ मार्केट गिरी है, तो एक वीक कैंडल दर्शाती है। तो हमें वीक कैंडल नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी कैंडल चाहिए जिसमें विक के जो साइज हो वो कम हो और जो बॉडी का साइज हो वो ज्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ से अगर हमें एक अच्छी कैंडल मिलती है, बाई साइड पे प्लान करेंगे फिर हम 105.139, 105.211, 105.260, 105.318। देखिए एक्स्ट्रा लेवल्स हम यहाँ पर मार्क करके रख रहे हैं, रीजन उसके ये कि कल जो है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी आने वाला है तो वो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, एक बड़ा मोमेंटम लेकर आ सकता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेवल्स हमने मार्क किए। डाउन साइड पर भी आप एक एक्स्ट्रा लेवल और मार्क कर लीजिए, 104.812। आपको पता है अगर आप पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। हमें ये जो सारे के सारे लेवल्स हैं ये हमें ट्रेड प्लान करने में हेल्प करेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो 105.006 का हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर आप
रिस्क एवर्स पर्सन है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे एग्जिट कीजिए। सेकेंड एंट्री तब मिलेगी जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो फिर से हम नेक्स्ट ट्रेड टारगेट के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेड प्लान करना है अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन है। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा तो थोड़ी थोड़ी सी पेशेंस रखिए और मार्केट की जो मोमेंटम है उसको देखिए। अगर मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर बढ़ना शुरू हो गई है तो आप वहां से जल्दी जल्दी एग्जिट कर जाइए, अदरवाइज आप अपने ट्रेड को चलते रहने दीजिए, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपको वॉल्यूम चेक करना है तो यूएस डॉलर का जो चार्ट है डाउ जोन्स का, यहाँ पे आप खोल सकते हैं। यूएस डॉलर लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाला चार्ट आ जाएगा, आप इसको नोटिस कीजिए, ये ही लिखा होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। देखिए यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हमें ये लेवल देखने को मिला है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही थी, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है, ठीक है, नीचे की तरफ गिर गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी अच्छी है, यानी कि ये जो ब्रेक मिला है हाई वॉल्यूम के साथ मिला है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है कि ये और नीचे की तरफ गिर सकता है। तो वॉल्यूम चेक करने के लिए आप इस वाले चार्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज आप DXY के चार्ट को ही रेफर करें। तो ये रेफर रहेंगे हमारे डॉलर इंडेक्स के लिए कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। अपसाइड का मूव बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को अब हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, अभी ऊपर जा रही है। और अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ हमारे पास एक और ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है, इसको हम नोटिस करते हैं कि ये कौन सी ट्रेंड लाइन है। और ये जो पिंक लाइन है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको डे के चार्ट से देखते हैं, ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस करी हुई है। ये देखिए एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट गिर रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ब्लू लाइन है ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी हमें एक रेजिस्टेंस दे सकती है। यहाँ पे पहले भी हमें इस लेवल पर, यहाँ पर हमें पहले रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर मिला है और अभी फिर से हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि काफी सारे हमें रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं और ये जो ब्लू लाइन आ रही है इस टाइम पे नीचे की तरफ, मार्केट इसके काफी पास पहुंच चुकी है। बना हुआ के चार्ट पे स्विच करेंगे और यहाँ से हमें क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए मार्केट इसके काफी ज्यादा पास पहुंच चुकी है, तो ये फिर से हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, देखिए अगर ये ब्लू लाइन टूटी तो हमें बाई साइड प्लान करना है, अदरवाइज हम बाई साइड प्लान नहीं करेंगे। इस केस में हमारा डिसिसिव लेवल एक तो ये ब्लू लाइन रहेगी और एक 1932 का लेवल रहेगा। ये दोनों ही चीजें टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, तो हम बाई साइड प्लान करेंगे 1935, 1937 और 1942 के टारगेट्स के लिए। तो ये तीन लेवल्स मार्क कर लीजिए आप अपने चार्ट पे बाई साइड प्लान करने के लिए, अगर ये ब्लू लाइन और 1932 का लेवल टूटता है तो। अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर नीचे गिर सकती है और फर्स्ट टारगेट रहेगा 1930, 28, 26, 25। तो ये लेवल्स मार्क कीजिए, एक्स्ट्रा लेवल्स आपको बताए गए हैं क्योंकि कल मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड नीचे की तरफ गिरेगा। और डॉलर पे स्विच करते हैं, डॉलर देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, डॉलर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। डे के चार्ट पे चलते हैं एक बार, डे के चार्ट पे देखिए मार्केट काफी नीचे आ चुकी है। और अगर आप इस लेवल को देखें 105.064 के लेवल, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं इसको देखें, तो यहाँ पे देखिए मार्केट पहले रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, इसके ऊपर इसी कैंडल ने क्लोज दिया है और इस कैंडल के क्लोज आते ही हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है, अब दूसरी भी एक हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें, इस पैटर्न को कंसीडर करें, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी दिखा रही है। लेकिन 105.064 के लेवल को कंसीडर करें तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बन चुका है, ये अभी फिर से हमें सपोर्ट का काम कर सकता है। तो किसी भी साइड में मार्केट जा सकती है, कोई दो चीजें बन रही है यहाँ पे, एक तो ये पैटर्न बन रहा है, दूसरा ये रेजिस्टेंस लाइन बन रही है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, एक अपसाइड के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर रही है और दूसरा जो हमें फोर्स कर रहा है कि हम सेल साइड को एक्सपेक्ट करें। तो गोल्ड में भी सेम हमें ध्यान में रखना होगा और अपसाइड और डाउनसाइड के दोनों ही लेवल्स को कंसीडर करना होगा और अपने लेवल्स को मार्क करके भी रखना होगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो हमें बाई साइड तभी जाना है जब मार्केट 1932 को ब्रेक कर देगी, और अगर इस ब्लू लाइन से रिवर्सल ले लेते हैं तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर स्विच करने से पहले, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी ईएमएस की स्ट्रैटेजी को यूज करके जरूर देखिए। फॉरेक्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मोर देन 95% टाइम्स जो है ये आपको प्रॉफिट ही अर्न करके दे रही है। लेकिन आपको इन चीज इसको यूज करते टाइम दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन है कि आपको जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है। सेकेंड है कि
आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर जरूर रिस्पेक्ट देनी है। तो इन दो चीजों को आप ध्यान में रखिए और अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करके देखिए, आपको जरूर प्रॉफिट अर्न होगा। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, तो कल दो टाइम फ्रेम्स यहाँ पर मेजर लग रहे हैं, इसके अलावा और भी मेजर डाटा आ रहा है, चाइना का भी डाटा आ रहा है तो, और जीबीपी का भी शायद डाटा है। तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डिटेल्ड एनालिसिस को, जो हम डाटा एनालिसिस के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं उसको गो थ्रू कीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पर किस किस कंट्री का डाटा आ रहा है, उस कंट्री के जो करेंसी पेयर्स हैं उनमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स हमें कल रिलीज होंगे। ई आर का सीपीआई का डाटा आ रहा है, जितना बड़ा डाटा आएगा यहाँ पे, यानी कि 5.3 है यहाँ पे, 5.3 यहाँ पे, अगर 5.4 आ जाता है तो EUR USD में हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो EUR USD इस केस में ऊपर की तरफ बढ़ सकता है अगर यहाँ पे डाटा जो है पॉजिटिव आया, बढ़ा हुआ आया। तो उसके बाद बिल्डिंग परमिट और हाउसिंग स्टार्ट का डाटा, ये दोनों के डाटा जो है सेम टाइम पे आ रहे हैं। जब सेम टाइम पे मल्टीपल डाटा आते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा एक डाटा जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरेगी, दूसरा इंडिकेट कर रहा है मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो इस केस में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम किस साइड का ट्रेड प्लान करें, और मोमेंटम का भी हमें पता नहीं चलता। मार्केट कभी बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर गिरती है, बढ़ती है, उसके बाद नीचे गिरना शुरू होती है, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ती है, फिर नीचे गिरना शुरू होती है। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें थोड़ी सी वेट करनी है, जैसे ही मोमेंटम बन जाएगा तो हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। मोमेंटम बनने दीजिए, उसके बाद ट्रेड में एंट्री लीजिए। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जैसे ये मार्केट गई ऊपर, नीचे की तरफ गिरी, गिरने दीजिए, कोई बात नहीं, गिरने दीजिए। अब हमारे पास दो सिचुएशंस है, एक ये लेवल है आपके पास और एक ये लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें सेल साइड प्लान करना है, और अगर ये वापस ऊपर ऊपर जाकर, धीरे धीरे ऊपर जाकर ये लेवल टूट देता है तो हमें बाय साइड प्लान करना है। तो इस तरह से आप मोमेंटम को थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट जो है बिहेव कर रही है डाटा के टाइम पर। सो यहाँ पे अगर डाटा जितना पॉजिटिव आएगा, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि 1.443 मिलियन है यहाँ पे, 1.440 मिलियन है, अगर यहाँ पे 1.444 आ जाता है, 1.445 आ जाता है, सेम चीज़ यहाँ पर है हाउसिंग स्टार्ट्स में, अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ जाती है तो यहाँ पे हमें डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ा तो हमारा जो गोल्ड है, यानी कि XAU USD जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है, क्योंकि दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं। अगर लोगों का पैसा गोल्ड में डूब रहा होता है तो वो यहाँ से पैसा निकाल के डॉलर इंडेक्स में ट्रांसफर कर देते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स उस टाइम पे बढ़ रहा होता है। और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा होता है तो यहाँ से पैसा निकाल के वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव माना जाता है, गोल्ड सिल्वर जो है सेफ ऑल्टरनेटिव माना जाता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सेफ साइड पे भागना शुरू कर देते हैं और गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, चीज़ों के जो रिलेशन है इनको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आप कोई ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।